हाय हेलो वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में बी से बिट्टू। और आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ नहा धोकर रेडी वेडी होकर काम पे जाने की तैयारी है। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, दिन के बज चुके हैं 2:30, ज़्यादा लेट हो गया थोड़ा सा मैं। और बस अब मैं निकलता हूँ फटाफट से बाहर, अपना उठाता हूँ बैग जिम का क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो फिर निकलते हैं। चलो भाई बैग को रखते हैं स्कूटी पर, यहाँ लगाते हैं इसकी जगह पर। ये कपड़े हटाता हूँ यहाँ से मेरी टी शर्ट से। तो ठीक है सिनसिनाटी रेडी और अब मैं भी निकलता हूँ। तो ओके गाइस अभी काम पर से थोड़ा ब्रेक मिला तो मैं जिम करने आ गया, वर्कआउट का थोड़ा सा टाइम मिल गया है। शाम तो हो चुकी है पर मैं अपना जिम वर्कआउट पहले फटाफट फिनिश कर लेता हूँ। वर्कआउट हो चुका है फिनिश, मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट, इधर ही जिम में बैठ के 5 मिनट बैठता हूँ उसके बाद फिर निकलता हूँ जिम से। निकलता हूँ, देखो सुबह दोपहर में आया था और शाम हो चुकी है। मैं निकलता हूँ, अपना ये जिम बैग रखता हूँ स्कूटी में और मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। पहले आज मैं थोड़ा सा मार्केट की साइड आ गया कुछ ठंडा वंडा पीने के लिए, तो मैंने सोचा ये रबड़ी फालूदा टेस्ट करूँगा। तो देखिए ऐसे कुछ करके, इधर मार्केट है ये पूरा छोटा सा, सब खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए इधर घूमते रहते हैं, मांगते हैं तो कुछ। मेरा अभी रेडी हो रहा है रबड़ी फालूदा, पहले मैं इसे कर देता हूँ फिनिश। तो आप सोच रहे होंगे मतलब इतना मीठा और जिम भी कर रहा है और ऐसा जंक फूड, तो ये मैं बैलेंस कर लूँगा किसी भी तरीके से, कोई मील स्किप करके या फिर कैसे भी, क्योंकि मेन अपना ज़रूरी होता है कैलरी डेफिशिएंट, तो मैं वही फॉलो करता हूँ। एक तरीके का फूड हब है ये, इधर पर लोग आते हैं और अपना शाम के टाइम फैमिली के साथ खाना वाना खा लेते हैं या जो भी इंजॉय करना होता है अपना फूड वो इंजॉय करना। तो ओके मैं इधर से चलता हूँ, अभी मेरा तो हो चुका है फिनिश और मैं इधर के मार्केट आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे स्टॉल्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा मतलब मेरा वो है कि इधर पर ना इस जगह पे नॉनवेज नहीं मिलता, वेज ही वेज है सारा और बिना नॉनवेज के मज़ा नहीं आता। तो ठीक है मैं चलता हूँ सिनसिनाटी, यहाँ पर है सिनसिनाटी को करते हैं रेडी और अपन निकलते हैं आगे की ओर। तो रात हो चुकी है और ऑलमोस्ट मेरा काम भी सारा ख़त्म हो चुका है आज के दिन का, तो मैं भी अभी फ्री हूँ लगभग लगभग। अभी मुझे बस एक जगह जाना है उसके बाद मैं फ्री हूँ, काम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। स्कूटी हिलती बहुत है ना, तो बस अब मैं भी एक जगह जाना है बस उसके बाद मैं घर के लिए फ्री हो जाऊँगा। याद आया घर जाते जाते कि मम्मी का ना रस खत्म हो गया है जो वो सुबह दूध के साथ खाती है, तो पहले वो ले लेता हूँ मैं। ये 45 बना नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये रख लो आप, यही वाला दे दो मैं आपको पे कर लूँ, ये लीजिए। भैया ये पैकेट कितने का है इसका? 65। मैंने ये ले लिया है और इसको अब मैं लगाता हूँ इधर स्कूटी में। लग जा भाई स्कूटी, करते हैं ऑन और चलते हैं घर। जाते याद आया यार सुबह डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो एटीएम से पैसे भी निकलवा लेता हूँ पहले। तो ओके डन, पैसे निकलवा लिए, अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और जाते हैं सीधा घर। सिनसिनाटी में लगाते हैं चाबी और ये देखो मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है क्योंकि टाइम हो चुका है अब ज़्यादा, तो मैं भी चलता हूँ अब घर। घर आ गया हूँ और स्कूटी करते हैं खड़ी और
बस को लेकर चलते हैं सीधा अंदर घर के अंदर। यहाँ पर रखते हैं चाबी को, यहाँ रखते हैं और अब फटाफट से होता हूँ फ्रेश क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। नहा धो के आ गया मैं तो फिर दोबारा अपनी औकात पर, देखो वही फटे पुराने कपड़े, वही निक्कर आराम से। तो ठीक है गाइस, नहा लिया, बहुत आराम मिला। आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि गर्मी उमस इतनी है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चलो आओ आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, खाना खाने से पहले आपको मम्मी से मिलवाता हूँ। ये देखो ये हमारी मम्मी जी हैं, और आपको लगेगा कि शायद मैं कितने कठोर वर्ड बोल रहा हूँ बट ये बहुत स्वार्थी औरत हैं यार। आगे कभी इनके बारे में बात मैं कभी खुल के आपसे अच्छे से बाद में करूँगा, बट इनके जैसे स्वार्थी इंसान नहीं है कोई। इनके लिए कितना भी कर लो इनकी कोई कोई खाना पूर्ति नहीं होती यार। मतलब अगर आप कुछ भी कर दोगे ना, जो ये बोलेंगी वैसा भी करते जाओगे, फिर भी इनकी कोई खाना पूर्ति नहीं होती। आप लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा कि माँ के लिए बोल रहा है, बट अपनी अपनी जो मेरी डिक्शनरी है उसमें माँ का शब्द की व्याख्या कुछ और है भाई, और आप लोगों की कुछ और होगी। सोचोगे कि इतना हार्ड और हार्श क्यों हो रहा है, क्योंकि यार जो झेलता है ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं इतना बुरा बंदा हूँ नहीं, बट जब बहुत सारी बातें हैं करने को कहने को। धीरे धीरे दोबारा से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, आएगी पर्सनल भी आएगी आपके आगे, और सारी चीज़ शेयर होंगी बट धीरे धीरे होगी। तो बस चलो कोई नहीं, अभी मैं खाने की तैयारी करता हूँ अपने। तो देखते हैं आज खाने में क्या है। तो ये है सेम चिकन चेस्ट पीसेज मेरा वाला डाइट का, और इसमें है घिया और चने की दाल। ओके, तो ये सब्जी है, तो ये आज का मेरा खाना है। देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से ये किचन है, थोड़ा फैला हुआ है। तो ठीक है, मैं करता हूँ अपने डिनर की तैयारी। सबसे पहले बिछा लेता हूँ ये अपना गद्दा, इस पर मैं सोऊंगा। इजी है, हल्का होता है, बिछाने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये हो गया, बस अब अपना खाना लाता हूँ। ये कुछ कूड़ा है वो फेंक देता हूँ इधर डस्टबिन में। और ये देखो ये वॉलीबॉल का नेट भी लगा हुआ है बाहर यहाँ गैलरी में। ये सामने गेट है, ये सिनसिनाटी है, इसमें मेरा टॉवल है। ठीक है चलता हूँ अंदर। ये मेरे शूज़ आज बेचारे कैसे पड़े हुए हैं। खाना हो चुका है स्टार्ट मेरा, तो खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, पहले कर लेता हूँ फिनिश। बिलीव करना यार, ये जो चिकन होता है ना चेस्ट पीसेस, ये रूखा खाना ना, मतलब चेस्ट के पीसेस खाना बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे मुझे भूख लगती है, मम्मी को भी रोजाना लग जाती है, तो मैं और मम्मी मतलब साथ में खाते हैं। मम्मी पहले खा चुकी होती है खाना, फिर दोबारा खा रहे हैं। रात में सोते सोते उठ के भूख लग जाती है मुझे खाते देख, और मैंने सुना है मुझे खाते देख तो बहुत लोगों को भूख लग सकती है। पता नहीं मैं ऐसा कैसे खाता हूँ दिखाऊंगा आप लोगों को भी तो मम्मी को खाने देते हैं, मैं अपने खाने पे फोकस करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप खाना वाना खा लिया और मैं कर रहा हूँ सोने की तैयारी। सोने की तैयारी क्या, आज दिन में बहुत थक गया था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो अब मैं सोता हूँ, आप लोग भी सो जाइए। या दिन में देख रहे हो या रात में देख रहे हो ये ब्लॉग, तो मुझे पता नहीं, पर मैं सोता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।